अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूतावास पूरी तरह बंद करने की घोषणा कर दी है और इस खबर के सामने आने के बाद दुनिया में तहलका मच गया। क्या अमेरिका तो क्या पाकिस्तान, हर देश की हेडलाइन में ये खबर फ्रंट में छपी। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से खबर आ रही है कि दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास और मुंबई और हैदराबाद में उसके वाणिज्य दूतावास बंद नहीं होंगे। ये फैसला तब हुआ जब देश के वरिष्ठ दूतों ने भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और ये बात पक्की कर ली। अब जरा ध्यान से देखिए एक्स पर जारी की गई ये पोस्ट। इस एक पोस्ट में मुंबई में अफगानिस्तान की महावाणिज्य दूत जकिया वारदाक ने कहा कि उन्होंने कार्यवाहक महावाणिज्य दूत सैयद मोहम्मद इब्राहिम खिल के साथ 4 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिसके दौरान ये स्पष्ट किया गया था कि दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास और मुंबई और हैदराबाद में दोनों वाणिज्य दूतावास खुले रहेंगे और अपने नागरिकों के लाभ के लिए अपना संचालन जारी रखेंगे। बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिलते ही अफगान दूतों ने बयान जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास को बंद नहीं करेगी और दोनों वाणिज्य दूतावास काम करते रहेंगे। दूतों ने विदेश मंत्रालय से दूतावास और वाणिज्य दूतावासों को कथित रूप से बंद करने के संबंध में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजाई के दावों को नजरअंदाज करने का भी आग्रह किया। हम इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां अफगान कानूनों और वियना कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार राजदूत के दायरे से बाहर है। तो इस बयान के बाद एक बार फिर से पूरा अफगानिस्तान झूम उठा, क्योंकि भारत ही वो देश है जो अफगानियों की मदद करने में सबसे आगे रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये कि पाकिस्तान का खेल अब पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में शांति रहे। वो कुछ ना कुछ बोलता या फिर करता रहता है जिससे अफगानिस्तान में शांति भंग होती है। वहीं बात भारत की करें तो अफगानिस्तान भारत का रिश्ता परिवार जैसा है, चाहे सरकार किसी की हो, लेकिन भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान के भाइयों की हर संभव मदद की है। शायद यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा कि हम अफगानिस्तान को हर संभव मदद देना जारी रखेंगे। खैर, ये बयान सुनकर हर अफगानी जरूर खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि भारत की ओर से साफ कह दिया गया है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं और अफगानिस्तान एम्बेसी की ओर से दूतावास को ओपन रखने का बयान देकर फिर से दुनिया में तहलका मच गया है। आपका क्या कहना है इस स्टेटमेंट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।